हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर बायो मैकेनिक्स के हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास है काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशंस। एक्चुअली बेसिकली हम क्या करते हैं कि काइनेमैटिक्स के अगर हम काइनेमैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो हमारे पास काइनेमैटिक्स क्या होती है। हमारे पास काइनेमैटिक्स क्या होती है। हमारे पास सिंपली अगर हम कहें कि बॉडी का मोशन, सिंपल जो मोशन है ये किसी बॉडी की कोई मूवमेंट जो वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोशन या सॉरी दैट इज़ कॉल्ड काइनेमैटिक्स। एक्चुअली बेसिकली अगर हम कहें कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या है किसी मोशन की, तो हम उसको इसको काइनेमैटिक्स में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, अगर तो मैं इधर ये इस तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये अपनी जगह से मूव कर गया, मगर इसके मूव करने में जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस पर अप्लाई किया है उसको कंसीडर किए बगैर हम क्या करते हैं, हम काइनेमैटिक्स में बाकी चीज़ों को स्टडी करते हैं, लाइक्स मोशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम हर चीज़ को काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन जो फोर्सेस या जो कॉज है जो इसको मूव होने के लिए कर रही है, फोर्स कर रही है, वो हम इसमें स्टडी नहीं करते, वो काइनेमैटिक्स में स्टडी नहीं होती बल्कि वो काइनेटिक्स में स्टडी होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ करता है कि काइनेमैटिक्स जो है हमारे पास सिर्फ मोशन की हम स्टडी को कहते हैं, लेकिन जो काइनेटिक्स होती है उसमें हम मोशन के साथ साथ फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जो उसको कॉज कर रही होती है, उसको मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, बेसिक काइनेमैटिक्स के कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या देख रहे हैं, हम मोशंस देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशंस को देखेंगे, फिर हम उसके बाद बेसिक हमारे पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास जो डायरेक्शनल टर्म्स हैं, फिर हमारे पास मूवमेंट्स हैं, एक्सिस और प्लेन्स हैं जिनमें क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं वो हैं। सो हम इस चैप्टर में ये सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मोशन हैं क्या। एक हमारे पास जनरल मोशन की फॉर्म है। हम जनरल मोशन को इस तरह से ले रहे हैं, यानी जनरल मोशन ह्यूमन मूवमेंट को हम कहते हैं कि जनरल मोशन है। अब जनरल मोशन जनरल मोशन है हमारे पास। ओके, फिर जनरल मोशन में हम क्या क्या कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास लीनियर मोशन का प्लस एंगुलर मोशन का। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लीनियर मोशन हमारे पास होता क्या, लीनियर मोशन हमारे पास होता है, सिंपली अगर हम लीनियर मोशन को लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे किसी बॉडी का पार्ट, उसके सारे पार्ट्स हम कहते हैं सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं लीनियर मोशन में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये हमारे पास पेन है, ठीक है, ये पेन है हमारे पास, और अब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से हिट कर रही हूँ या इस तरह से इसको अगर मैं इस तरह से हिट करती हूँ, ठीक है, तो इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं ये सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी और चीज़ की, लाइक दैट कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक पैसेंजर है, ठीक है, वो हमारे पास एरोप्लेन में सोया हुआ है, जिस टाइम तक वो सोया हुआ है उसकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास एयर के साथ लीनियर मोशन के थ्रू कनेक्ट है, यानी उसके ऊपर लीनियर मोशन हो रहा है। लेकिन जैसे अगर वो जागता है, स्लीपिंग पैसेंजर दोबारा से जाग जाता है, ठीक है, और वो कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करता है, तो अब उसका जो लीनियर मोशन है वो लीनियर नहीं रहा, क्योंकि उसकी बॉडी ने पोजीशंस चेंज की हैं, जो हमारी उसकी बॉडी थी उसकी पोजीशंस चेंज हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी या उसकी आर्म की पोजीशन चेंज हुई है। अगर उसने कोई चीज़ उठाने के लिए किया है या कुछ भी, हम किसी भी सेंस में ले लेते हैं, सो हम उस सेंस में लेते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि हमारे पास जो लीनियर मोशन है, हमने कहा कि ऑल सिस्टम पार्ट्स मूविंग
इन द सेम डायरेक्शन। ओके, थोड़ी सी एग्जाम्पल देखिए ना, थोड़ी सा ये है कि अगर आप इसको समझना चाहते हो ना, तो किसी ऐसी चीज़ से समझ लो कि आपको ऐसे दोनों चीज़ में डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। लीनियर मोशन एक्चुअली हम इस सेंस में ले रहते हैं। अब जो लीनियर मोशन है ना, हम ये कहते हैं किसी भी चीज़ का सीधा सीधा मोशन। यानी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, वो मूव कर रही है। अब अगर वो सीधी सीधी जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास गाड़ी सीधी सीधी जा रही है, तो क्या कर रही है, वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। अभी हमने क्या कहा, काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस को स्टडी नहीं करते, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है हम उसको स्टडी नहीं करें, सिर्फ उसका जो मोशन है वो क्या कर रही है, वो लीनियरली यू मूव कर रही है। अब ये गाड़ी है, समझो लाइक दैट कि ये गाड़ी है हमारे पास, ये हमारे पास गाड़ी है। अब ये क्या कर रही है, ये यूं सीधा मत जा रही है, ठीक है। तो ये जो मोशन ये परफॉर्म कर रही है, ये हमारे पास लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, अब हमने कहा कि लीनियर मोशन को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ये स्ट्रेट मूव कर रही है, एक्चुअली हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं या ट्रांसलेशनल। ओके, हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये देखें हम कि हमारे पास, इन्होंने कहा लीनियर मोशन जो है हमारे पास किसी लाइन के अलोंग जाना चाहिए। अब वो लाइन सीधी भी हो सकती है, वो लाइन कर्व में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि लीनियर मोशन को हमने दो चीज़ों में स्टडी करना है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अब हम इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को अगर हम इस सेंस में लेते हैं कि हमारे पास, हम किसी मुश्किल एग्जाम्पल से नहीं समझते, हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को अगर हम यही कंसीडर कर लेते हैं, गाड़ी मूव कर रही है बिल्कुल सीधी सीधे मूव कर रही है, दैट मीन्स के गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है, लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन। अब उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग जो मोशन है वो हमने लीनियर मोशन ले रहा है। अब स्ट्रेट लाइन के जो है वो अगर हम कार की एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन कर्व में हम कैसे ले सकते हैं। कर्व में फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक बंदा है, एक पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करके अगर हम देखें, एक पर्सन है, एक स्टोरी बिल्डिंग करके देखते हैं, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, और उसको स्विमिंग के लिए या उसको फॉर एग्जांपल उस वो बहुत हम कहते हैं कि पागल टाइप का बंदा है, ठीक है, उसने छलांग लगानी है हमारे पास छत से नीचे। अब उसने छत से नीचे छलांग लगानी है, ठीक है, छत से नीचे छलांग तो वो लगा रहा है, या अगर हम स्विमर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, स्विमर भी क्या करते हैं, अगर वो ज़्यादा ऊंचाई से छलांग लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें छलांग लगाने में अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं बॉडी का मोशन देखते हैं कैसे आता है, ठीक है, ये हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये बंदा है हमारे पास। अब उसने क्या करना है, ये हमारे पास खड़ा हुआ है छत पे, ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने यहाँ से छलांग लगाना है, ठीक है, अब छलांग तो इसने लगानी है, ठीक है, अब इसने छलांग जैसे लगाई, इसने क्या किया, ये यहाँ आया, इसने यहाँ बढ़ा आराम से, और इसने क्या देखा नीचे, इसको थोड़ा सा डर लगा, डर का असर नहीं हुआ, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, जिसने मरना हो, दिस इज ओनली फॉर जोक, मजाक था, ठीक है। तो हमने कहा कि ये आया यहाँ पे रूफ टॉप पे, अगर हम स्विमर की एग्जांपल लेते हैं, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आया और इसने क्या किया कि हमारे पास यहाँ से इसने छलांग लगाई। अब इसने जब छलांग लगाई तो आप देखें
कि इसने छलांग लगाने के बाद इसका मोशन यूं आ रहा है, ठीक है। तो इसका छलांग लगाने के बाद मोशन एक कर्व में आ रहा है, कर्व में आ रहा है इसका मोशन। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसकी कर्व तो डेवलप हो रही है, लेकिन ये कर्व लाइन में डेवलप, कर्व लाइन बन रही है, पूरी एक लाइन का लीनियर मोशन आ रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कर्व लाइन मोशन। ओके, हमने कहा स्ट्रेट लाइन, हमने कहा कि मोशन स्ट्रेट में जा रहा है। कर्व लाइन हमने कहा कि कर्व में चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट गाड़ी की एग्जांपल लेके स्ट्रेट लाइन मोशन किया, कर्व में हमने किसी की छलांग लगाने की एग्जांपल लेके उसको कर्व लाइन में कर लिया। ये अब हम स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं रेक्टी लीनियर मोशन, और हमारे पास दूसरा होता है कर्वी लीनियर मोशन। तो हमारे पास लीनियर मोशन की बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे पास किस तरह से, अब इसकी बॉडी की मूवमेंट देखें आप, इसकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो यही है कि यहाँ से जंप करता सीधा नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ क्वाइट, ये कि एक बहुत ज़्यादा हमारी ये चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारे पास बॉडी के ऊपर इसका क्या पाए। ओके, फिर हम स्टडी करते हैं एंगुलर मोशन। ओके, अब हम जो डिस्कस करने वाले थे वो हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड टाइम, जिसको हमने कहा एंगुलर मोशन, जो हमारे पास जनरल मोशन में दो मोशंस इन्वॉल्व थे उसमें से सेकेंड। एंगुलर मोशन को बेसिकली हम इस सेंस में लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस है लाइक दैट, अगर हम इसको ऐसे कहते हैं, हमारे पास हम एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर हर एग्जांपल हमने ये सॉरी सर्कल ज़रा ख़राब हो गया, बट ये बिल्कुल चारों कॉर्नर से बराबर है, ठीक है, यानी सारी तरफ से ये बराबर है। अब क्या है हमारे पास इसमें, अगर हम देखें कि हमारे पास ये सर्कल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सिंपल सा अगर हम मीनिंग लेते हैं कि ये इसके अराउंड हम मूव हो रही है। अब अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है कि अगर हम कहें कि अगर एक बार है, ठीक है, या हम कहते हैं कि अगर ओके अगर एक जिमनास्ट है लाइक दैट, कि अगर हम कहते हैं ये एक पोल है, ठीक है, और जिसके जिसके साथ एक जिमनास्ट जो है वो खुद अटैच, उसने उसने उस पोल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि जैसे जिमनास्ट या जिमनास्टिक्स में होता है कि इसने पूरी एक रोटेशन लेनी होती है एक पोल के अराउंड। अब इसने 3D dimensions में, ये फिलहाल 2D dimension है, तो इस 2D है तो हमें इसलिए सही पता चलना रहा, लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसने अगर इसके ये हम ले लेते हैं अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये बीच में हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पेन है। अब इसने एक मिनट, अब ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पेन है हमारे पास, ठीक है। अब इस पेन के उसने चारों तरफ, ये हम कहते हैं कि हर तरफ उसने इक्वली मूव करना है। अब वो जब इसको हम कह लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके हर तरफ इक्वली वो मूव करेगा, जैसे अगर हम किसी थ्रेड को बांध लेते हैं, थ्रेड को जिस चीज़ के साथ बांधा हुआ है वो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने इस पेन के साथ एक थ्रेड बांधा है और उस थ्रेड के साथ हमने एक पत्थर बांध दिया, अब ये जो पेन है इसको हम बीच में रखते हैं, अब इस जैसे इस पेन को हम रोटेट करेंगे,
ओके दिस इज ये सही एग्जाम्पल नहीं है, यही ठीक है ठीक है। हम इसी को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक जिमनास्ट है, जैसे हमें पता है क्या होता है कि एथलीट से जिमनास्ट क्या करते हैं, हमारे पास ये बीच में उनके यहाँ पे पोल होता है चारों तरफ, जैसे हमारा एक दरवाज़ा होता है ठीक है। अगर हम दरवाजे के ऊपर से दीवार हटा दें तो ये ऐसे ही पोल होता है, वो इसके क्या करते हैं चारों तरफ मूव करेंगे। ओके फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास इसने मूव किया हमारे पास बार के अराउंड ठीक है। अब जब बार के अराउंड इसने एक रोटेशन से परफॉर्म की, तो इसके जो फुल सर्कल रोटेशन थी इस तरह आई गया है, हम बार ले लेते हैं, इसकी फुल सर्कल जो रोटेशन थी उसको हमने एंगुलर मोशन कहा दिया। इसी तरह से अगर हम लेते हैं कि कोई बंदा कलाबाजी लगाता है ना, हम जिसको अपनी ज़ुबान में कलाबाजी कहते हैं, जब वो बंदा यूँ एक एक्सिस के अराउंड फुल कलाबाजी लगाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास वो बंदा अपनी मोशन तो फुल एंगुलर रोटेशन और फुल एंगुलर मोशन परफॉर्म इजीली कर लेता है ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बात जनरल मोशन की, थर्ड हमारे पास थी जनरल मोशन। ओके जनरल मोशन हम बहुत सिंपल सी वे में अगर हम जनरल मोशन को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास हमने कहा पहले भी हमने पढ़ा कि बोथ लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन को हम जनरल मोशन कहते हैं। अब जनरल मोशन में हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं बोथ चीज़ों को, सवाल तो यही उठता है ना कि बोथ यानी दोनों चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक बंदा है ठीक है, एक बंदा है ठीक है, उसने क्या किया, वो बायसाइकिल या साइकिल, ऐसे बना दे ठीक है, वो इस साइकिल पे बैठा हुआ है ठीक है, ये उसके पैडल्स हैं ठीक है, पैडल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब उसने क्या किया हुआ है, वो कर रहा है राइड इस बायसाइकिल को। अब एक बंदा है जो राइड कर रहा है हमारे पास, हमने कहा बाईसाइकिल को, अब वो बाईसाइकिल को राइड कर रहा है यानी बाईसाइकिल को चला रहा है। अब वो उसको चलाने वाला जो बाईसाइकिल चल रही है, बाईसाइकिल क्या मोशन परफॉर्म कर रही है हमारे पास, लीनियर या स्ट्रेट लाइन ठीक है। और जो हमारे पास हमारी लेग्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं, वो पेडल के अराउंड रोटेट हो रही हैं। अब वो जो रोटेशन माय लेग्स परफॉर्म कर रही हैं वो क्या हमारे पास मोशन आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है एंगुलर, वो हमारे पास मोशन आ रहा है एंगुलर मोशन, क्योंकि लेग्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हैं और बाइसाइकिल इन स्ट्रेट लाइन जा रही है और वो हमारे पास यू मूव हो रही है, यू एक्सिस के अराउंड मूव हो गया। तो हमने इस सेंस में हमने जनरल मोशन को ले लिया। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, हमारे पास लीनियर मोशन था, हमने इसमें इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया हमारे पास लीनियर मोशन था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे सारे सिस्टम पार्ट्स जो हैं वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम स्पीड रेक्टिलिनियर था और कर्वीलिनियर था, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन था, कर्वीलिनियर एक कर्व से कर्व या कर्व लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो एक कर्व की फॉर्म में होती है, तो वो उस मोशन को, और एंगुलर मोशन हमारे पास आ गया अराउंड द एक्सिस किसी मोशन का मूव करना ठीक है। फिर हमने जनरल मोशन को कंसीडर किया जो बोथ आ जाते हैं, जिसमें लीनियर मोशन एंगुलर मोशन आ जाता है। लीनियर में हमने एग्जांपल ले ली राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को राइड करना, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास राइडिंग की एग्जांपल है राइडिंग अ बाईसाइकिल, जो हमारे पास पैडल है वो हमारे पास पैडल के अराउंड हमारे पास लेग्स जो हैं वो रोटेटरी मोशन यानी एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं, और हमारे पास जो हैंड्स हैं या हम कहते हैं कि जो हमारे पास बाईसाइकिल है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास आगे जनरल मोशंस की टाइप्स और इनको हमने कुछ डिस्कस कर लिया है थोड़ी सी कुछ डिटेल्स के साथ। अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं डायरेक्शन, हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन है, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजीज है जिनमें हमारे पास एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशंस हैं, हमारे पास रेफरेंस प्लेन्स हैं, हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स हैं, रेफरेंस प्लेन्स हैं, एनाटॉमिकल एक्सिस हैं, ये हम सब कुछ काफ़ी डिटेल में, मूवमेंट्स हैं हमारे पास, ये हम सब डिस्कस करेंगे इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।